नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्सो पानीपत। मैं हूं आपके साथ सोनम। आज क्राइम के शो की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। बता दें कि पानीपत पुलिस ने नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये भी बता दें कि नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी राजू को पुलिस ने गुप्त सूचना पर गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो औद्योगिक सेक्टर 29 पार्ट 2 की फैक्ट्री में ठेकेदारी का काम करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात फैक्ट्री में काम पर आने वाली एक लड़की से हुई थी। वह मन ही मन वो उस लड़की को चाहने लगा। एक दिन उसने लड़की को बता दिया कि वो उससे प्यार करता है। फिर उसने लड़की से मिलना जुलना शुरू कर दिया। एक दिन वो दोनों कृष्णा गार्डन पानीपत में मिले। लड़की ने वापस घर जाने के लिए मना कर दिया। फिर उन दोनों ने भागने का प्लान बनाया और बिना किसी को बताया वो लड़की को अपने साथ लेकर फरार हो गया था। वहीं दूसरे मामले में स्नैचरों को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। सैये वन पुलिस ने मोबाइल फोन छीनकर ले जाने वाले दो आरोपी तो अमन को गुप्त सूचना पर गिरफ्तार किया है, वांकित को साई कॉलोनी की गली से 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है, जिनसे छीना हुआ मोबाइल व वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। फिलहाल आरोपितों को जेल में भेज दिया गया है। आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने जेब खर्च चलाने के लिए फोन छीनने की योजना बनाई थी। अंकित अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर आया, जिन्होंने सलाह मशवरा करके निमरी की तरफ से आ रहे एक लड़के का फोन छीन कर भाग गए थे। वही तीसरे मामले में तेज धार हथियारों से चोट मारने वाले छठे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि थाना चांदनी बाग पुलिस ने तेज धार हथियारों से चोट मारने वाले छठे आरोपी संदीप, जो कि लंबे समय से फरार चल रहा था, उसे गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि नवीन की मनीष से कुछ दिन पहले कहा सुनी हो गई थी, तो नवीन ने मनीष को पीटने की योजना बनाई, तो यह योजना उन्होंने संदीप को बताई, जो इसी योजना के तहत उन सभी दोस्तों ने इकट्ठे होकर मनीष के साथ लड़ाई की, जिसमें उसने लड़ाई झगड़े के दौरान मनीष को लात घूसों से पीटा था और उसके दोस्तों ने मनीष को तलवार व चाकू के साथ चोट मारी थी। वहीं आज शहर में कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पानीपत पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला है, जिसमें संदेश और सहयोग की अपेक्षा के साथ पुलिस प्रशासन और नगर निगम और सिविल अस्पताल के अधिकारियों कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से संगीत में फ्लैग मार्च किया। इस मौके पर पुलिस अधिकारी संगीत की धुन पर देशभक्ति गीत गाते हुए चल रहे थे। सैकड़ों की संख्या में पैदल मार्च पर निकले कोरोना वॉरियर्स का नागरिकों ने अभिनंदन भी किया। इस दौरान गीत संगीत के माध्यम से जनता को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बांटकर लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया और फिर भी ना मानने वाले लोगों को चालान काटे गए। वहीं एसपी ने बताया कि स्थानीय निवासियों व दुकानदारों को कानूनी कार्रवाई के बारे में भी बताया गया। जो बिना मास्क के घूमते हुए पाए गए या नियमों को उल्लंघन करते हुए पाए गए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रही है वर्सो पानीपत के साथ। नमस्कार। Colors to your loving, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskrit School, a better place, a better world. By Sanskrit School, sapno se behtar kal. By Sanskrit School, add colors to your learning. By Sanskrit School, your life will be shining.
एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय है। इस ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। करियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। करियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर वन। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812145।